बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खैरियत से हैं। आज मैं एक बार फिर अपने ऑनलाइन लेक्चर वीडियो लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। क्लास 5 है, आज हम क्लास 5 चैप्टर नंबर 25 पढ़ेंगे, जिसका उनवान है बदगुमानी, पेज नंबर 58 एंड 59 है। जैसे कि हम पहले चैप्टर नंबर 23 में पढ़ चुके हैं, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, सूरत हुजरात की आयत नंबर 11 है। इसी तरह सूरत हुजरात की आयत नंबर 11 में ही बदगुमानी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान करने से परहेज करो कि बाद गुमान गुनाह होते हैं। गुमान के मायने है ख्याल और बदगुमानी मतलब बुरा ख्याल। जब कोई बहुत ज़्यादा किसी के बारे में गुमान करता है, सोचता है, तो ख्यालात अच्छे के बजाय बुरे हो जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बगैर हकीकत को जाने और समझे जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो ये बदगुमानी कहलाती है। यानी कि हमें हकीकत पता ना हो, हम उसके बारे में अपने माइंड में बुरे बुरे ख्यालात ला रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो ये बदगुमानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी टीचर दूसरे बच्चों को ज़्यादा नंबर दे और हमें कम, तो हम ये सोचने लगेंगे शायद टीचर हमसे चिढ़ती हैं, हमें पसंद नहीं करती, या ये कि दूसरे बच्चे उनके रिश्तेदार हैं उसने उन्हें ज़्यादा नंबर दिए हैं। तो ये बदगुमानी है, ये बदगुमानी की मिसाल है। हालांकि टीचर ऐसा नहीं करती, टीचर की नज़र में सब स्टूडेंट जो हैं वो बराबर होते हैं, वो उनका वैसे ही नंबर देती हैं जैसे उन्होंने मेहनत की होती है। टीचर तो उसी को ज़्यादा नंबर देती हैं जो अच्छा पढ़ता है। इसी तरह अगर कोई शख्स भागा जा रहा हो और बगैर हकीकत जाने ये सोचने कि वो शायद चोरी करके भाग रहा है, तो ये बदगुमानी होगी। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि वो किसी और वजह से भाग रहा हो, कोई और वजह हो गई हो भागने की, इसी तरह तो ये भी बदगुमानी होगी। सही बात को समझे बगैर ख्याल ही ख्याल में किसी के बारे में गलत बात सोचना बहुत गुनाह है। अक्सर जो है दोस्तों में बदगुमानी हो जाती है, हमारा कोई दोस्त किसी से ज़्यादा बातें करने लगे और हम समझें कि हमारा अच्छा दोस्त नहीं है, हमें छोड़कर दूसरों से बातें करता है, हम धीरे धीरे ये बुरा ख्याल लाते हैं, तो ये बदगुमानी होती है। असल बात जाने हकीकत को जाने बगैर और समझे बगैर किसी के बारे में बदगुमानी करना गुनाह का काम है। बदगुमानी बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, ख्यालात की वजह से आती है, इसलिए सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो वाज़े और हकीकत से करीब हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, मोमिनों बहुत गुमान करने से बचो क्योंकि बाद गुमान गुनाह होते हैं। गुनाह असल में ऐसे काम को कहते हैं जिससे आपको या अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुंचे। बदगुमानी करने का लाजमी नतीजा भी नुकसान की सूरत में सामने आता है, क्योंकि जब हम किसी से बदगुमान हो जाते हैं तो इससे हमारा रवैया ख़राब हो जाता है। जब हम सोच रहे होते हैं हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर उसके साथ ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा, हम उसे अच्छा नहीं समझेंगे, बाद में बात उसको बुरा भला कहने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोगों के सामने भी उसकी बुराइयां करते हैं। यूँ उस अल्लाह के बंदे का दिल दुखता है और किसी का दिल दुखाना बहुत बुरी बात है। दूसरी तरफ बदगुमानी की वजह से हम भी हर वक्त परेशान रहते हैं, लोगों पर से हमारा एतबार जो है वो उठ जाता है, हम हर किसी को गलत और बुरा समझने लगते हैं, चाहे वो गलत हो या ना हो, हमें हर किसी में बस बुराइयाँ नज़र आती हैं। यूँ लगता है जैसे हर कोई हर वक्त हमें धोखा देने के चक्कर में है। ये सिर्फ बदगुमानी की वजह से होता है, किसी के बारे में हम गलत सोचते हैं तो इस तरह हमारे माइंड में गलत गलत बातें वो आती रहती हैं। इस वहम की वजह से हमारा कोई भी काम नहीं होता, हर वक्त परेशानी की वजह से हम बीमार रहने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपनी गलतियों को समझने के बजाय दूसरों के सर थोप देते हैं। इस तरह हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो नाकामियों से भर जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने बदगुमानी करने से मना कर किया है, क्योंकि बदगुमानी एक बहुत बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दूसरों के मुतल्लिक बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। तुम किसी की कमजोरियों को जानने की कोशिश ना करो और जासूसों की तरह राजदाराना तरीके से किसी के ऐप मालूम करने की कोशिश ना करो। यानी कि हमने किसी की कमजोरियों को भी नहीं जानना और ना ही हमने किसी में ऐप तलाश करने हैं, और ना एक दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश करो, ना ही हमने आपस में हसद करना है। दिल में दूसरों के लिए बुराई नहीं रखनी, ना एक दूसरे से मुंह फेरो, बल्कि अल्लाह के बंदो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भाई भाई बनकर रहो, जो कि ना तो हसद करते हैं, ना दिल में दूसरों के लिए कोई बुराई रखते हैं, ना किसी के ऐप तलाश करते हैं।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इशारत का मतलब है कि भाई तो अपने भाई का कभी नुकसान नहीं चाहता, बल्कि वो कोशिश करता है कि उसका फ़ायदा हो जाए। इसलिए सब मुसलमानों को भी एक दूसरे के फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, हमने एक दूसरे के फ़ायदे के बारे में सोचना है और ऐसे काम करने चाहिए जिससे सबका फ़ायदा हो, किसी का कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा मैं आपको इसकी जो है समझाने की कोशिश करूँगी सरगर्मी से, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। सरगर्मी जो है बहुत इजी है। सरगर्मी जो है पेज नंबर 64 पर है। सरगर्मी नंबर 2 जो है वो हम करेंगे जी। बदगुमानी और खुशगुमानी में फ़र्क करें। बदगुमानी के सामने बे और खुशगुमानी के सामने खे लिखिए। नंबर वन, इसकी तो शक्ल ही ऐसी है वो झूठ बोल रहा होगा, तो ये हुई बदगुमानी। हम उसकी शक्ल लेके उसको कह रहे हैं कि वह झूठ बोल रहा है, हालांकि ऐसा तो नहीं है, हो सकता है जब तक हम हम कुछ बात उससे नहीं करेंगे, कुछ जानेंगे नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं वो झूठ बोल रहा है। तो ये बदगुमानी है। नंबर दो, एक दूसरे से और पूछ लिया जाए, हो सकता है बात बिल्कुल सच हो, तो ये हुई खुशगुमानी। इसी तरह वो चोरी करके भाग रहा है। देखिए, हम उसको बगैर सोचे समझे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो चोरी करके भाग रहे हैं, तो ये बदगुमानी है। शायद कोई हादसा हुआ इसलिए वो भाग रहा है, तो ये खुशगुमानी हुई। इसी तरह आपने ने जो है इस एक्टिविटी को जो है होमवर्क में करके आना है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।